नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हितेश और स्वागत है आपका हमारे चैनल हैक्स ऑफ लाइफ में। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट जिसका नाम है पोर्टेबल वॉशिंग मशीन। पोर्टेबल हैंडी वॉशिंग मशीन है, इसे आप कहीं भी कैरी कर सकते हैं। लगभग 2500 से 3000 रुपये में आपको ये अमेजोन पे आसानी से मिल जाएगी। लिंक आपको इसका नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सूर्य मैजिक की तरफ से ये आती है और ये आपको इसके टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस आप इसकी बड़ी ही आसानी से पढ़ पाएंगे। उसके बाद इस तरफ भी आपको टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस मिल जाती हैं। यहाँ पर आपको जो है इसका कैसे इस तरह इस मशीन को आपको यूज़ करना है वो मिल जाता है और बाकी आपको कुछ भी नहीं मिलता है। तो इसकी हम कर लेते हैं अनबॉक्सिंग। पहले ही मैंने इसकी टेप जो है काट दी है। तो कुछ इस तरह की आपको वॉशिंग मशीन ये मिल जाती है, ये आपको मिल जाती है वॉशिंग मशीन। इसे हम निकाल देते हैं बाहर और रख देते हैं साइड में, इसका हम ओवरव्यू बाद में करेंगे। और ये आपको मिल जाती है इसके साथ एक छोटी सी मैनुअल डिब्बे को हम रख देते हैं साइड में इसके सिवा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपको इसका मिल जाता है मैनुअल की किस तरह आपको और क्या क्या आप इसे जो है देख इसमें धो सकते हैं। तो इसे भी हम रख देते हैं और बात कर लेते हैं मशीन के बारे में। तो कुछ इस तरह की पैकेजिंग में आपको मशीन मिलती है। इसे हम निकाल लेते हैं बाहर। तो ये आप देख सकते हैं मशीन, यहाँ पर आपको लिखा हुआ है वॉट इसके मोटर के बारे में। मोटर को आप मैक्सिमम 4 से 5 मिनट के लिए पर वॉश यूज करें और एक दिन में मैक्सिमम 30 मिनट के लिए ही यूज करें, नहीं तो मशीन खराब हो सकती है। इसके साथ आपको गारंटी भी मिलती है। ये आपको मिल जाती है मेड इन इंडिया है, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं मेड इन इंडिया वॉशिंग मशीन है, तो काफी बढ़िया होगी। और यहाँ पे आपको इसकी कैपेसिटी और उसके बारे में जानकारी मिल जाती है सूर्य मैजिक की तरफ से जाती है। ये आपको ही जाता है वॉशिंग और यहाँ पे आपको मिल जाते हैं एक वॉशिंग को स्विच करने वाला बटन और यहाँ पे आपको मिल जाता है बकेट लॉक। तो कैसे इसे यूज करना है और किस तरह आपको करना है इसे ऑपरेट, इसके बारे में हम बात करते हैं। चलिए कुछ इस तरह से जो है आपको बकेट को इसमें डालकर लॉक कर लेना है। आपको दोनों तरफ से जो है इसे अंदर को प्रेस कर देना है और ये बड़ी आसानी से लॉक हो जाएगा। तो ये हमने मशीन को फिट कर दिया है। यहाँ पे हम बटन को यदि पानी को उड़ते हुए तो कुछ इस तरह ये मशीन काम करती है। अब इसमें हम डाल देते हैं सल्फ। आपको करना क्या है, मशीन को एक बार चालू कर देना है और उसके बाद जो है सामान को डालते जाता है जाना है। जैसे मैंने पहले इसे में सल्फ को डाल दिया है, ये आप देख सकते हैं सल्फ घूमना शुरू हो चुका है। ये सल्फ करके उसके बाद आपको करना क्या है, एक एक करके कपड़ों को जो है इस मशीन में डालते रहना है। तो ये हमने एक कपड़ा डाल दिया, इसी तरह आपको यह बाकी कपड़े भी डाल देते हैं। तो आप ध्यान रखिए पानी थोड़ा सा मेज से ज्यादा हो गया है तो आप थोड़ा कम रखें। मैंने दूसरा कपड़ा भी डाल दिया है। और आपको इसे 4-5 मिनट तक चलाते रहना और आपके कपड़े जो है अच्छी तरह से धुल जाएंगे। काफी बढ़िया तरीके से ये मशीन काम करती है। और यदि आप कहीं भी होटल या किसी भी जगह पर जा रहे हैं जहाँ कपड़े धोने का सिस्टम नहीं है, वहां पर जाकर इस मशीन को आप बड़ी ही आसानी से सेटअप कर पाएंगे। तो वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। 4 से 5 मिनट आपको इस मशीन को एक लोड में चलाना है कपड़े धोने के लिए और कपड़े जो है धुलते रहेंगे और 4-5 मिनट बाद आपको अपने कपड़ों को निकाल कर सुखा लेना है। मशीन को यदि आपको खरीदना है तो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप इसे बड़ी आसानी से परचेज कर पाएंगे। हमें उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।